हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज योर जो क्लास 6 एक्सरसाइज 8.4 1 2 तो मतलब 5 टाइप का क्वेश्चन है। मतलब केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर। सो ऐसे कन्वर्सन है वो जो वेट का, मेजरमेंट का, कैपेसिटी का। तो मैं एक एक वन नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 का एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कंप्लीट कर लेना वन नंबर के जितने भी 5 टाइप 5 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन में मतलब 5 टाइप 5 भी ई तक है, तो आप कंप्लीट कर लेना। ओके चलो अभी करते हैं वन नंबर। वन नंबर में एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल एक्सरसाइज क्या कौन सा है? एक्सरसाइज आपका 8.4 है। ओके एक्सरसाइज 8.4 अभी वन नंबर ए करते हैं। वन नंबर ए में दिया गया है 5 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके 5 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करने से पहले मैं पैसा और रुपी का जो रिलेशन है मैं समझा देता हूँ। देखो पहले वन रुपीज़ इक्वल कितना है? 100 पैसा होता है। ओके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी भी लिख सकता हूँ। ओके 100 पैसा को 1 रुपी लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा आपका 100 पैसा का 1 रुपी है, तो 1 पैसा का वैल्यू कितना होगा? 1/100 होगा, 1/100 होगा। आप बोलेंगे कैसे होगा? मैं बोलूँगा अभी 5 बनाना का प्राइस कितना है? 35 रुपीज़। ओके 1 बनाना का प्राइस क्या है? 35 डिवाइड बाई 5 हो रहा है ना, 35 डिवाइड बाई 5 हो रहा है। तो आंसर कैसे बन निकल रहा है? तो ऐसे 100 पैसा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पैसा का वैल्यू क्या होगा? 1/100 होगा। 1/100 तो मतलब जितना पैसा निकलेगा इनटू 1/100 कर देंगे। मतलब वन नंबर ए में क्वेश्चन है 5 पैसा, क्या 5 पैसा, 5 पैसा इक्वल टू इसको रुपये में कन्वर्ट करना है। मतलब रुपये में कन्वर्ट करने कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100। ओके तो 5 बाई 5 पैसा इक्वल टू 5 × 1/100 रुपीज़, मतलब 5/100। 5/100 फ्रैक्शन हो गया। अभी 5/100 मतलब अभी फ्रैक्शन है, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? नीचे कितना 0 है? 2 0 है, तो पॉइंट के बाद कितना प्लेस होगा? 2 प्लेस होगा। ओके अभी तो ऊपर में 1 प्लेस है, 1/5 मैंने लिख दिया, 2 प्लेस नहीं हो रहा है, तो क्या लिखूँगा? ये लिख सकता हूँ 0.05 रुपीज़। ओके ओनली फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ओके अभी रुपीज़ पैसा का सिंबल अभी आपको समझ आएगा। 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में दिया है मीटर यूजिंग डेसिमल, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर वही सेम फॉर्मूला, देखो सेंटीमीटर का क्या है? मैं बोलूँगा 100 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है? 1 मीटर होता है। मैं आपको बोलूँगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होगा? 1/100 मीटर। ओके 1/100 मीटर। अभी दिया है ए नंबर में दिया है 15 सेंटीमीटर, क्या है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को हमको मीटर का में कन्वर्ट करना है। 1/100 मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है? 1/100 मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 15 × 1/100 मीटर, मतलब 15/100, नीचे 2 0 है, मतलब 0.15 मीटर। ओके अभी 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर मतलब क्या होता है? 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ओके 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल कितना वैल्यू होगा? 1/10 सेंटीमीटर। ओके 1/10 सेंटीमीटर मतलब जब मिलीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/10 मल्टीप्लाई होगा मतलब क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर, क्या है? तो ए का क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर मतलब क्या है? 5 × 1/10 सेंटीमीटर। ओके 5/10 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ओके अभी 4 नंबर में दिया है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। फोर नंबर में मीटर किलोमीटर, देखो अभी मैं बोलूँगा आपको 1000 मीटर। ओके 1000 मीटर रिकॉर्ड क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। अब मैं बोलूँगा 1 मीटर, 1 मीटर क्या होगा? 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। अभी 1 मीटर को मैंने कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 1/1000, 1/1000 मतलब क्या है? 4 नंबर में क्वेश्चन है 8 मीटर को, क्या है?
8 मीटर, 8 मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करने से क्या होगा, 8 × 1/1000, ओके 1/1000 किलोमीटर, ओके। अभी इसको क्या लिखूंगा, 8/1000, 8/1000 नीचे कितना 3 जीरो है, मतलब 0. कितना होगा, 1 है और 2 जीरो लगेगा, 008 किलोमीटर, ओके 0.008, ओके। 5 नंबर में चलते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन है केजी को ग्राम में कन्वर्ट, मतलब मैं लिखूंगा अभी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल कितना होगा 1 केजी, मतलब 1 ग्राम इक्वल कितना होगा 1 केजी डिवाइड बाय 1000, ओके। और मतलब के ग्राम से केजी में जाऊंगा तो 1/1000 मल्टीप्लाई, 1/1000 मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपका क्वेश्चन है 2 ग्राम, ओके 2 ग्राम, 2 ग्राम इक्वल टू कन्वर्ट करें तो 2 × 1/1000, 1/1000 केजी, 1/1000 केजी, 1/1000 केजी मतलब 2/1 के पास 30, 1 के पास 30 केजी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या होगा 0.002 केजी, ओके। मैं सब नंबर का एक एक मतलब कन्वर्ट करना सिखा दिया, अभी आप ये वाला एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ओके थैंक यू बाय।